राजनीति के मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष भले ही एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी हों, लेकिन बात जब देश की आती है तो हम सभी एक होते हैं। आपको याद होगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में एक बार कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई इसी वक्तव्य का एक उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। जी हां, भले ही पीएम मोदी चुनावी रैलियों और सभाओं में विरोधियों पर जोरदार जुबानी हमला करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो इन्हीं विरोधी नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाते और सलाह मशविरा करते भी नजर आते हैं। क्योंकि ये देश किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि जो भी इस भारत की मिट्टी में पैदा हुआ उन सब का ये देश है, और देश हित में फैसला लेना और देश को आगे बढ़ाने का काम जनता द्वारा चुने गए प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री का फर्ज है। और इस कर्तव्य को पीएम मोदी बखूबी निभा रहे हैं और देश हित में फैसला लेने के लिए राजनीतिक विरोधियों को भी गले लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरत मिसाल है, और इस मिसाल को कायम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो तस्वीरें आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के विपक्षी नेताओं के साथ भी व्यक्तिगत तौर पर कितने मधुर संबंध हैं। इन तस्वीरों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत हाल ही में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाली है। सितंबर 2023 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनके साथ प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर हंसी मजाक भी करते नजर आए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी अभी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किस तरह मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। वैसे कहने को तो कांग्रेस बीजेपी की चीर प्रतिद्वंदी है, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक अखाड़े में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी के साथ पीएम किस तरह ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में अरविंद केजरीवाल और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों ही नेता राजनीतिक अखाड़े में पीएम मोदी को कोसने का एक भी मौका नहीं गवाते, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये आपस में कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। अब बात करते हैं चौथी तस्वीर की। चौथी तस्वीर में भी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ नजर आ रही हैं, और उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ये तीनों नेता किसी विषय पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर में पीएम मोदी एमके स्टालिन और उदित राज के साथ गप्पे मारते दिख रहे हैं। वहीं छठी तस्वीर में पीएम मोदी महाराष्ट्र के नए नवेले सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हाथ में चाय की कप पकड़े एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं। सातवीं तस्वीर में पीएम मोदी एचडी देवगोड़ा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और आठवीं तस्वीर में पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे से हंसते हुए बात करते दिख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है, जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए काफी है। वैसे आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।